हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके दोस्त आकाश कस्तूरिया। तो गाइस, वीडियो के टाइटल से तो आप समझ गए होंगे कि अलग व्लॉग किस लिए होने वाला है। तो आज क्या है, आज हमारी एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी। सो गाइस, हमें कंप्लीट हुए हैं 2 साल हंसते खेलते झगड़ते लड़ते। तो गाइस, ये वाला वीडियो भी हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, मतलब आज का दिन। तो बने रहना हमारे साथ में। दर्शन कर लिए हैं, दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए और मंदिर में से माला भी मिली है, प्रसाद भी मिला और बहुत ही अच्छे से हुए, बहुत मज़ा आया। हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, आई होप हमारा दिन भी अच्छा जाए। हाँ, हमारे दिन की जो शुरुआत बहुत अच्छी हुई और मज़ा आया। अभी हमारे साथ हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। जी। सो गाइस, हम पूरी फैमिली के साथ आए थे, पापा हैं, मम्मी हैं और एक मेम्बर हमारा गायब हो चुका है ओम। तो बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम सुबह मॉर्निंग में गए थे मंदिर में और बहुत अच्छा दर्शन हुए हमारे। अब हम जा रहे हैं कहाँ पता नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों थोड़ा सा घूमने जाएंगे, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को एंजॉय करते हैं। बाकी वैसे हमने कुछ अभी सोचा नहीं है, सोचा तो है नहीं, पर हम दोनों निकले साथ तो कुछ करेंगे। तो गाइस, हमें भी नहीं पता वैसे जाना कहाँ है, बाकी आप बने रहना हमारे साथ में और हम भी घूमते हैं, आपको भी घुमाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल रोहिणी में। हम गाइस, हमने सोचा कि चलो ये नया ओपन हुआ है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं, क्योंकि हम रोहिणी में आए थे घूमने के लिए। अभी हमें जाना। जल्दी में इसका स्थापना हुई यहाँ पे इस्कॉन की रोहिणी में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप तो किशन जी की ऐसी कि आपकी नजरें नहीं हटेगी, इतनी प्यारी है। आई होप आपको भी पसंद आया हो। चलिए गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की और। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एडवेंचर आइलैंड की ओर। एडवेंचर आइलैंड नहीं जा रहे क्योंकि हमें इनको एक जगह घुमानी थी, इसलिए वो जगह यहीं पर है, तो हम वहीं जा रहे हैं और आपको भी घुमाते हैं। क्यों भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है तुमको? बहुत मज़ा आ रहा है इनको, मेरे को भी आ रहा है। मौसम
अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। अब क्या करना है आपको? स्काई जंपिंग में जाना है। वहाँ जाना है, चलिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो ये बहुत सोने पे सुहागा हो चुका है। गर्मी में मौसम ठीक होना बहुत बढ़िया है। और गाइस यहाँ बोटिंग हो रही है। अब मैं जा रही हूँ अपना ड्रीम जीने के लिए। यू गाइस देख रही है। चलिए हम अब चलते हैं मैडम के की जो मैडम को जाना है वहाँ पे। सो गाइस हम आ चुके हैं स्काई जंपर में। हमने एंट्री ले ली है और यहाँ पे क्या बांधा है प्रिया, ये देखिए बैंड बांधा है हमारे। अब हम चल रहे हैं अपनी जर्नी की ओर। प्रिया का बहुत मन था बट मैंने इसको बताया नहीं मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा। प्रिया ने को सोचा था शाम के लिए और मुझे ये भी नहीं पता क्या सोचा है। मैंने सोचा चलो यहाँ आए तो प्रिया का एक कभी मन करता था यहाँ जाने के लिए तो मैं प्रिया को ये नहीं ये मेरा था सच में मैंने सोचा था बट एग्जीक्यूट हमेशा मैं ही करती हूँ। हाँ एग्जीक्यूट तो भाई देखो वाइफ के आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है तो वो हर बार की तरह प्रिया करेंगी। मैं इस चीज़ का क्या श्रेय नहीं लेना चाहता। ठीक है गाइस चलिए आप आपको दिखाते हैं और एंजॉय कराते हैं। ये गाइस देखिए कितना अच्छा मजा आ रहा है। मन तो मेरा बहुत करना है नहाने का मगर मैं कर नहीं सकता, नहा नहीं सकता हूँ गाइस क्योंकि मैं घर से नहा के आया हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं। गाइस देखते हैं कि ये सब जो पार्टियों में गुड्डे वगैरह लगे रहते हैं और बड़े बच्चों को चढ़ने नहीं देते हैं वो छोटे बच्चों के लिए होता है तो ये बहुत अच्छा प्लेस है वो सारी बड़ास को निकालने के लिए। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए और इनको बच्चा ही हमारा बच्चा घूम रहा देखो इनको खिलौने इन्हें कूदवाने के लिए आए यहाँ पे। गाइस देखिए मैंने एंट्री ले ली है और प्रिया ने भी अब इनको मैं धोऊंगा इसको मैं धोऊंगा। तो गाइस अब हम देखिए लग जाएंगे अब मैं इसको धोऊंगा। गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट राइड की ओर। पकड़ो 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 जी कैसा लगा आपको भाई? मजा आ गया। सो गाइस
आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा हमारे साथ में। मैंने तो बहुत किया मैंने भी बहुत किया, मैं तो ऑल टाइम कूदे जा रहा था, और क्या करने गए थे भाई। सो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी वही हुआ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने क्या गया, प्रिया गई कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और उसके बहाने से अगली ने यहाँ पे बुकिंग करा दिया। पीछे देखिए एरोप्लेन रेस्टोरेंट, अब हम अंदर जा रहे हैं डिनर के लिए। ये हर बार ऐसे ही करती है, और जो कि मुझे अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने मेरा पुराना वाला व्लॉग नहीं देखा होगा एनिवर्सरी का, तो मैं डाल दूंगा, वो भी देखना, वो भी ऐसे ही इससे भी बढ़िया सरप्राइज था, और वो भी। अब देखते हैं मैडम क्या कर रही है। ये देखिए गाइस, प्रिया कैसा लगा तुम्हें? बहुत ज़्यादा अच्छा, हर बार की तरह। मुझे पता था कि ऐसा फीका फीका ऑलवेज। मैं चलते फिरते भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये तो है, बोर्डिंग पास आ रहा है, प्लेन में जाने का। हाँ जी, हमारा बोर्डिंग पास आ रहा है, प्लेन में जाना है हमें। ये गाइस हमारा बोर्डिंग पास है प्लेन में जाने का, अभी हमें एयर होस्टेस लेने आ रहे हैं, हमारी थोड़ी सी वीआईपी एंट्री है गाइस। क्या बात कर रहे हो? ओके फॉर मी। ये गाइस देखिए, ये हमारा एरोप्लेन ये रहा, और देखो प्रिया जी। गाइस देखिए, एरोप्लेन में जा रहे हैं हम। सेफ जर्नी। ज्यादा धमाकेदार है ये, इनके बगैर पूरा कभी नहीं हो सकता। कैसा लगा? अरे बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गया यार। वैसे मैं हमेशा ये शिकायत करता था प्रिया रोमांटिक नहीं है, मगर सो गाइस, थोड़ी सी जेंटलमैन वाली फीलिंग, सॉरी थोड़ी सी मेहमान नवाजी हम भी कर देते हैं प्रिया जी के लिए। तो पहले सबसे पहले चेयर किस खाइए मैडम, बैठ जाइए, मैम को बिठा दीजिए यहाँ पे। ओ शो रोमांटिक डेट, ये हमारी फर्स्ट डेट है। हाँ गाइस, ये हमारी फर्स्ट डेट है। इतना प्यारा व्यू आ रहा है देखिए गाइस यहाँ से, वाओ। ये भाई साहब मजेदार। रोमांटिक माहौल हो चुका है कि मेरे को इसकी आदत नहीं है क्योंकि ये सब करना मुझे पसंद है, मगर हर बार की तरह प्रिया ने फिर बॉल डाल के मुझे आउट कर दिया। कस्तूरी जी क्या कर रहे हो? कस्तूरी जी क्या पढ़ रहे हो इतने ध्यान से? मैं सबसे महंगा आइटम बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो सबसे महंगा आइटम क्या है इसमें। गाइस यहाँ पे ना हमारा अनलिमिटेड फूड है, तो इसलिए कस्तूरी जी थोड़े से, मैं बोला मैं तो कुछ और ही सोच रहा था मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कैसा लगा तुम्हें यार? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था, और ये सरप्राइज था जो कि प्रिया के द्वारा दिया गया मेरे को, और आकाश कस्तूरिया जी बड़े खुश हुए। हमको इसकी इतनी गंदी आदत लग गई है सरप्राइज लेने की कि अब हमारा खुद का मन नहीं करता, हमें लगता है कि मैं इससे अच्छा क्या ही कर पाऊँगा, इसलिए मैं अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुका हूँ गाइस।
मेरे में जितना भी टैलेंट है वो प्रिया के आगे कुछ नहीं है। इस चीज़ को मैं 2 साल पहले ही मान चुका था जब मेरी शादी हुई थी। तो जब हमने अग्नि के 7 फेरे लिए थे तभी मैं समझ गया था भाई कि गिव अप, बैकअप हो चुका। बहुत अच्छी एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड। सो गाइस हमारा खाना आ चुका है, अब हम अपनी मील एंजॉय करने हैं और आप भी एंजॉय करो इस व्लॉग को। तो गाइस हमारा इतना सारा खाना आ चुका है छोटे छोटे पेट वाले लोगों के लिए। गाइस देखिए थोड़ा तो हमने खाना समझा है, प्रिया जी बिल्कुल नहीं खाया, प्रिया ने, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस खाना खाते खाते हम थक चुके हैं, प्रिया कह रही है तो स्टार्टेड है, खाना भी और आएगा। भाई मेरा तो हो गया काम है, हाँ मेरा काम, मेरा तो सच में मोए मोए हो गया, कह रही है कि ये तो कुछ नहीं है अभी तो, और मेन कोर्स बाकी है अभी। ये देखो खाने के बाद डांस करने के बाद अब केक आ चुका है हमारा, केक भी कटिंग होगी यहाँ पे। ये देखिए मैडम ने मंगाया केक, कस्तूरी जी वेट एंड वॉच अभी क्या होने वाला है। यार ऐसा मत बोलना, तू डर गए? हाँ बहुत ज्यादा। अरे एंजॉय करेंगे, आओ चले। हाँ, चलिए गाइस ये देखिए मैडम जी क्या करवाएंगे। सो गाइज हमने केक कट किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सबको केक यहाँ पे खिलाया है अभी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज का हमारा दिन बहुत 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 औसम था। हाँ मंदिर से शुरुआत की थी और एंडिंग बहुत अच्छी हुई, हमारी डे का एंड हमेशा हमारी फैमिली पे ही होता है, तो हमारी फैमिली हमारा वेट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी हम कुछ एंड नहीं कर रहे हैं, एंड हम अपनी फैमिली के साथ ही करेंगे, तो बने रहो हमारे साथ। तो गाइज चलिए यहाँ के अलविदा कहते हैं। देखिए गाइस प्रिया प्लेन हो रही है, यस।
अरे कहाँ जाना है? चलते कश्मीर गेट। उड़ा दो फिर प्लेन। दोस्तों मैं घर पे आया, देखा तमाशा, देखो घर वाले लोग ही रह गए थे। देखो दोस्तों सब कुछ घूम घाम के हम घर आए और देखो ये शेर चीता ही क्या है। गाइस देखिए आज हमारे घर के सारे बड़े छोटे मेंबर आ चुके हैं। अरे अम्मा नहीं आई। अम्मा आएंगी, पीछे भी ये दुबके हैं कुछ घूंघट में। तो दोस्तों ये देखिए फैमिली ने सारा सब अरेंज किया, केक वगैरह खाना वगैरह खा चुके हैं हमारे इंतजार करते करते, और हम केक काटेंगे बस, मीठा साथ में खाएंगे। ये देखिए Happy anniversary! Happy anniversary to you! Happy anniversary! Yeah, shit! अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया फैमिली के साथ में। आई होप आपने को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। हम हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और फॉलोअर्स के लिए ये कैमरा ले आओ, केक खा लीजिए। तो गाइस ऐसे ही क्या करना है, तो आप सब शेयर करना है वीडियो को। हाँ आप सबको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको ये वाले वीडियो में मजा आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। डांस करते हैं।